है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कल वाली वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, कमेंट करना, आप लोग कमेंट करते नहीं हो। और आज हम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना पेमेंट आया है। तो ये वाले वीडियो अच्छी लगेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। देखने के बाद हम दोनों थक गए भाई, अभी चलते हैं अंदर, कुछ कैफ़े है तो कुछ खाने पीने का होएंगे तो अपन लोग खाते है ना भाई। कैफे में आ चुके हैं जैन सर, क्या हाल है? पहले से आप गन रख के चाय पी लीजिए पहले आप। अच्छा, यहाँ भी छुप के बैठा हुआ है। अभी हमें कैफे में पहुँच चुके हैं नीचे, आप लोगों को थोड़ा कैफे का टूर करा पाऊँ। एकदम मस्त डेकोरेटेड कैफे है यहाँ पे यार, एकदम मज़ा आ जाए। टूर कर गैस, हमारा कॉफ़ी आ चुका है, हम दोनों पियेंगे कॉफ़ी, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। कैसा है भाई कॉफ़ी का टेस्ट? अभी तो हम दोनों यहाँ पे बड़ा मस्त होकर बैठ के चाय पी रहे हैं। सोच उस समय 1947 में क्या 48 के टाइम पे क्या होता था, ऐसा मस्त होकर बैठ के पीने का कहाँ था, है ना? चुप के बिना बताऊँगा। तो वैसे अभी हम दोनों म्यूज़ियम में जाके बाहर आ चुके, तो एक चीज़ तो जाहिर है गाइस, जो भी आजकल हम घूम रहे ऐश कर रहे किसी रेस्टोरेंट में, मस्त वाले रेस्टोरेंट में बैठ के हम खाना मस्त मस्त खा रहे, या मस्त मस्त कार में घूम रहे हो, या मस्त किसी ऑफिस में मस्त वाले चेयर में बैठ के हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, या किसी से ऑर्डर ले रहे हो, या कोई मस्त वाले बिल्डिंग में बंगलों में बैठ के मस्त होके किसी नौकर से खाना बनवा रहे हो, जो कुछ भी हम कर रहे हो सब किसी के बदौलत ही है। जिन्होंने अगर 1948, 1947, 1919 जो ये जितने भी वार हुए थे, 1962 ये सब जितने भी हुए थे, उन सब में अगर किसी ने किसी माँ ने, किसी ने किसी बाप ने, किसी ने किसी भाई, किसी ने किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड, भाई बहन, अंकल आंटी, अंकल चाचा चूचे को नहीं खोया होता तो हम आज कुछ और ही होता है। उन्होंने अपना ये शहादत दी, उन्होंने अपना जान बिना सोचे समझे देखे, तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी के बदौलत यहाँ पे जी रहे हैं, उनके कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते गाइस। ये चीज़ मुझे आज ही रियलाइज हुआ, अब लोगों को भी रियलाइज होगा, अगर आप ऐसी चीज़ें अच्छी अच्छी जगह पे आप घूमोगे, ऐसे मोटिवेशनल जगह पे आप लोग जाओगे तभी आपको चीज़ों का महसूस होगा, नहीं तो आप किसी हिल स्टेशन में गए, मस्त से रिजॉर्ट में बैठा, खाया, स्विमिंग पूल में घुसा, पिया आया, उसमें तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अलावा शायद आपको कुछ नहीं मिल सकता। ऐसा इंडियन सिटीज़न आपको कुछ ऐसे चीज़ों पे अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, आप खुद भी जाना चाहिए, ताकि आपको इतना रियलाइज हो जाए कि आज हम यहाँ पे है तो किसके बदौलत है। तो उन सभी लोगों को जय हिंद। और तो ये था गाइस हॉल ऑफ फेम, अभी निकल पड़े यहाँ से, जो पार्सल लिया था हमने उसको खोलते, इसमें क्या है देखते है भाई, इसमें क्या है, इसके साथ अपन को काटना पड़ेगा ऐसे। मामा जस, क्या है क्या है क्या है क्या है? यो क्या रे, अच्छा अच्छा आप मुझको समझ में आ रही, यो हमारे बेबी के लिए, बेबी यंगडोन के लिए, उसका पोटी करने का सीट है रे बाबा, ये अब मेरे को याद आया हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ये जाएगा शायद यहाँ पे ऐसे। अच्छा यो क्या है ऐसे, उसके बाद यो उसका ढक्कन। हाँ यो ठीक है, अभी यहाँ पे बैठ के पोटी करेगा, ढक्कन को खोलेगा ऐसे, उसके बाद फिर ढक्कन को बंद करने का ऐसा करके, ऐसा करके फिर पोटी में ऐसा करके बाहर निकाल के ऐसा करके, ओ पोटी भर के बड़े बड़े, फिर पोटी सब करके इसके अंदर डालने का। तो ऐसे भी मैं जिम से आ चुका हूँ, जिम से जस्ट पहुँचा हूँ, अभी हम जा रहे हैं डिनर खाने के लिए बाहर, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा यूट्यूब का पेमेंट आ चुका है, तो आप लोग सोच रहे हो बार बार पेमेंट पेमेंट पेमेंट, क्योंकि पेमेंट पेमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सब आप लोगों को बाद में बताऊँगा और कितना है ये भी बताऊँगा। और आप लोगों ने भी एक काम करना है, अगर आपको जानना है कितना है तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है जितना हो सके, जितना भी जो भी है सब कुछ थैंक यू आप लोगों की वजह से। तो आज मम्मी और मेरा पापा दोनों जा रहे बाहर खाने के लिए, तो बाहर काम ही खाते आज चले जाते, ठंड बहुत है, खाना बनाने का मन भी नहीं, दोनों जाके आते ओ चलते हैं गाइस, देखते हैं कोई रेस्टोरेंट अगर खुला मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर आके बना लेंगे। आप लोगों का बहुत 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 सारा थैंक यू और बहुत बहुत सारा लव, और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया गाइस बहुत बहुत ज़्यादा है, और आगे भी ऐसा प्यार देते रहना। और जो लोग भी न्यू आ रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने से पहले, उसके बाद वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। यो देख जल्दी जल्दी बैठो भाई, ओ भाज गए रे बाबा। ये देखते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, ये खाएगा अकेला अकेला पापा खाएगा ये। ये सब करना पड़ेगा, थैंक यू। वो क्या लेके जा रहा हूँ गोभी में, गोभी जैसे मैं क्या लेके जा रही हूँ, अभी खाएगा रोटी, देखो भाई बड़ी मुश्किल से खा लिया भाई, फिनिश कर दिया और पैक भी करा लिया भाई, ठीक है, हाथ में उठा के भी जा रहे हैं। देखो ऐसा बंदा है हमारा पापा, आधा खाता है आधा अक्ल के लिए सोचता है। चलो अभी घर में जाके सीधा सोना ही है भाई, क्या पता भाई। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं रूम में, खा के खा पी के उठा के भी लाया है पापा ने। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कितना आया क्या आया वो बताना था आप लोगों को, तो वैसे तो यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, नहीं बता सकते हैं ना कि कितना पेमेंट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जैसे इतना पेमेंट आ जाता है कि मतलब एक अच्छा सा फ़ोन हम ले सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं जो मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ वो वन प्लस का नोट 2 है, तो लगभग आप लोग समझ लो कि ऐसा फ़ोन हर मंथ खरीद सकता है कोई, जो मेरा पेमेंट है उसमें मैं ऐसा लगभग उसके आगे पीछे से इतना आगे या पीछे थोड़ा
अगेन ऊपर नीचे का इतने कीमत का एक फ़ोन हर मंथली ले सकता है। खाना बहुत अच्छा था और खाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन फिर भी खाना ठीक था। तो हम दो लोगों के लिए लगभग मैं आज का बिल में और मेरे पापा दोनों का लगभग 1200 समथिंग पड़ा। तो वैसे कुल मिला के आप लोगों को ये बताना नहीं था कि मेरे को कितना पेमेंट आया है, कितना पैसा कमाता हूँ, क्या कितना वो आते मेरा। गैस अभी बहुत जितने भी आता बहुत कम है, क्योंकि मेरा मैं जितना मेहनत मुझे करना चाहिए उतना मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो मेरा मेन मकसद यही था गैस कि ये वीडियो बनाने का, कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले, कुछ लोगों को लगे कि हाँ कुछ ऐसा भी चीज़ है, कुछ ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, साथ साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो गाइस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो अगर आप अच्छी तरह से दिल लगा के मन से अगर आप ये करोगे तो। लेकिन उस वो करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा DSLR कैमरा या कोई GoPro या कोई बहुत आईफोन बहुत बड़ा महंगी वाली चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सिंपल सा फ़ोन खरीद के, सिंपल सा बोले तो इतना भी सिंपल नहीं कि मतलब थोड़ा उसमें रैम रोम अच्छा हो, उसका थोड़ा कैमरा अच्छा बढ़िया हो, इतना तो 15, 10, 15, 12, 15, 20 तक तो कोई भी आजकल अफोर्ड कर सकता है। तो इतना एक मोबाइल लेके आप लोग शूट कर सकते हो, तो उसमें एडिटिंग भी आप लोग कर सकते हो आराम से। तो गैस यही कहना, क्योंकि गैस ऐसा है कि अपने लेह लद्दाख में कल्चर मैंने देखा है, अगर मैं बार बार आप लोगों को बताऊंगी कि पेमेंट पेमेंट मुझे पैसा आया है, पैसा आया, पैसा इतना पैसा आया, तो अपना यहाँ पे एक कल्चर है, वो लोग कुछ लोग ये कहते हैं अरे यार यार क्या इतना से पैसे के लिए इतना वो बवाल खड़ा कर रहा है। बात पैसे की नहीं है गैस, बात मतलब कुछ लोग सोच के रह जाते कि मैं करूंगा 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 करूंगा, कुछ लोग ये सोचते कि मैं एक अच्छा सा ये लूंगा कैमरा लूंगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा या शुरू करूंगा, तब वो सोचते सोचते एक साल दो साल निकल जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कर लूंगा तो कर देते, फटा सा टूटा सा छोटा मोटा मोबाइल में भी वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब कुछ लोग में बहुत सारे काबिलियत होता है, बहुत कुछ कर लेते हैं गाइस। तो इसीलिए एक बार जब करना स्टार्ट कर दोगे ना गाइस तो आप रुकोगे नहीं, गारंटी मेरी है। क्योंकि जब मैंने भी जब स्टार्ट किया तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अरे यार अड़ोस पड़ोस के आगे पीछे की देखना, अब मैं अपने आवाज़ को अंदर सुनना, अपने आप को कोई मेरा दोस्त देखेगा तो क्या बोलेंगे, कोई मेरा फैमिली वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बहुत कुछ मन में आता था गाइस। ऐसा नहीं है गाइस कि आप अगर आप वीडियो आप बना रहे हो उसके बाद आपको हर जगह पे वाह 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 मिलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। खास करके आपने आपके दोस्तों दो आपके दोस्त आपके जितने भी दोस्त के अड़ोस पड़ोस सब लोग आपका टांग खींचेगा गाइस। और मेरे साथ भी बहुत लोग करते हैं अभी भी, सब कुछ लोग बहुत मतलब एक टोन के साथ बोलते हैं अरे यार आ गया यूट्यूबर भाई आ गया, मतलब कुछ लोग सही में दिल से बोलते हैं, कुछ लोग मतलब होते ना, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ना है अपने को, फ़र्क उससे उनका बोलने का काम है, बोलते रहने दिए लेकिन अपना काम है बनाते जाना, लेकिन उससे फ़र्क अपने को बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और बोलने वाले तो हमें 100 आएंगे गाइस है ना, 100 अच्छा बोलने वाले आएंगे, 100 बुरे बोलने वाले आएंगे, लेकिन आपका काम है कि किसका सुने किसका छोड़े। तो जो अच्छा बोलेंगे यहाँ से सुनना, यहाँ पे इस कान को ब्लॉक करके इधर ही रखना है, जो बुरा बोलेंगे यहाँ से सुनना यहाँ से निकाल देने का, उसमें क्या अपने को काम करते जाना है, पेमेंट आते जाएंगे। सब लोग वैसे सब लोग पेमेंट के लिए ही करते। अब कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर आप लोगों को बोलते हुए देखा होगा आप लोगों को कि अगर आपको पैसे के लिए यूट्यूब खोलना है तो बिल्कुल मत खोलना। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पैसे के लिए खोलना है तो यूट्यूब बिल्कुल खोलना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको मेहनत होनी चाहिए। अगर आपका मेहनत होगा तो आपके पास पैसा है, अगर आपके पास मेहनत नहीं है तो पैसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लस यूट्यूब भी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है, अच्छा टैलेंट की ज़रूरत भी नहीं, टैलेंट तो अपने आप धीरे धीरे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है, अच्छा मेहनत अगर आप अच्छा लगन के साथ अच्छी लगन के साथ आप करोगे ना तो गाइस सब कुछ आपका टैलेंट वैलेंट सब कुछ आपका बाहर आएगा। और आपका जो भी जिस मकसद के लिए आपने यूट्यूब खोला उसका तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो गाइस ना इधर का सुनना ना उधर का सुनना, इधर का सुनना है। और आज के बाद जो लोग भी सोच रहे हैं अभी से कल से स्टार्ट कर देना है, और ज़रूरी नहीं गाइस और पहली बार ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि आपके पास अच्छा सा बड़ा सा DSLR कैमरा हो या आईफोन हो,
या कुछ ऐसा हो जरूरी नहीं है, एक फ़ोन ले लो 10-15 हज़ार का, वो भी आजकल तो कैमरा बहुत बढ़िया कैमरा आ जाता है, उसमें आप स्टार्ट कर देना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जिन आप लोग एक काम आप लोग भी करना है कि आप लोग सब्सक्राइब करना है, आप लोग देखते हो बहुत अच्छा व्यूज़ आता है मेरे, जितना मैं मेहनत करता हूँ उसके हिसाब से तो व्यूज़ ठीक ही है, लेकिन जो व्यूज़ आ रहा है उतने सब्सक्राइबर मेरे नहीं है, तो जितना व्यूज़ आ रहा है उतना सब्सक्राइबर बन जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके शेयर कर देना। और आप लोगों का बहुत बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, तंदुरुस्त रहना, और भाई का वीडियो तो ही देखते रहना, और जिम जाते रहना। मैं जिम जाता हूँ आजकल तो इसीलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बाय बाय, टेक केयर।